कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल द्वारा हसनपुर में फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर आज एक दिवसीय किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर पवन कुमार शर्मा, जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज्जाक, कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर महावीर मलिक, इफ्को के रीजनल मैनेजर रोहतास मौजूद रहे। कृषि उपनिदेशक डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि धान की कटाई के बाद खेतों में फसल अवशेष बच जाते हैं, किसान फसल अवशेषों में आग लगा देते हैं जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है, पराली में आग लगाने से पर्यावरण भी प्रदूषित हो जाता है। उन्होंने कहा कि किसान धान की पराली में आग बिल्कुल न लगाए, पराली का विभिन्न कृषि यंत्रों में प्रबंध करें। डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि विभाग द्वारा कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए गए हैं जिनमें कृषि यंत्रों जैसे सुपर सीडर, जीरो टिलेज मशीन, स्टोचोपर, हैप्पी सीडर, रिवरीबल फ्लो उपलब्ध है। किसान कस्टम हायरिंग सेंटर पर जाकर फसल अवशेषों का उचित प्रबंध कर सकते हैं, खेत में फसल अवशेषों का समावेश भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्ट्राबेलर मशीन से पराली की गांठे बनाकर किसान लाभ कमा सकते हैं। सरकार द्वारा किसानों को फसल अवशेष का प्रबंध करने के लिए 1,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान राशि दी जा रही है। इस अवसर पर जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज्जाक ने किसानों को बागवानी विभाग द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा किसान बागवानी की खेती कर कम समय में अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बागवानी की खेती करने पर किसानों को सब्सिडी प्रदान की जा रही है। किसानों को अटल भू योजना के तहत जल संरक्षण के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इफ्को द्वारा किसानों को नैनो यूरिया तरल के उपयोग के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर महावीर मलिक ने किसानों को आधुनिक तकनीक से खेती करने तथा उचित मात्रा में खादों का प्रयोग करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल में आने वाली बीमारी व उनकी रोकथाम के बारे में जागरूक किया गया। कृषि अधिकारियों ने किसानों से प्रश्नोत्तरी के दौरान सवाल जवाब किए। कृषि विभाग द्वारा किसानों को भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं पराली न जलाने को लेकर कृषि विभाग द्वारा किसानों के साथ शपथ दी गई। सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि एक हमारी मेरा पानी मेरी विरासत की स्कीम है जिसमें हमने धान की जगह कपास और दाल वाली फसलें या चारा या वो किला खाली भी रख दोगे तो भी कृषि विभाग की तरफ से 7,000 रुपए अनुदान मिलेगा। उसमें कंडीशन सिर्फ ये है कि आपने मेरी पानी और मेरी विरासत का जो पोर्टल है उस पे अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है। इसी तरह मलिक साहब ने जो प्राकृतिक खेती के बारे में बताया, आज से 2 महीने पहले हमारा करनाल में सम्मेलन हुआ था जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने शिरकत की थी और उन्होंने घोषणा की थी कि गाय किसान को खरीदने के लिए मैक्सिमम 25,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। यदि 50,000 की गाय है तो 25,000 रुपए सरकार उपलब्ध करवाएगी और 4 ड्रम जो बीजा मृत और बाकी घोल बनाने के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिए जाएंगे। इसकी नोटिफिकेशन जल्दी होने वाली है क्योंकि आज भी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी और गुजरात के जो राज्यपाल है आचार्य देवव्रत जी वो कुरुक्षेत्र में गुरुकुल में भ्रमण पर है, जो गुरुकुल में कम से कम 200 एकड़ में प्राकृतिक खेती होती है उसमें गुजरात का विधानसभा का जो विधायक दल का मंडल है वो मौके पे मां देखने आया है। तो हमारे जिला पलवल से भी इसमें 131 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराई है जो पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हो और मैं ये मंच के माध्यम से अनुरोध और करूंगा कि 131 आदमियों ने रजिस्ट्रेशन तो करवा ली, हम सरकार की स्कीम के हिसाब से उनको बेनिफिट भी देंगे लेकिन आपने प्राकृतिक खेती करनी जरूर है, चाहे आधे एकड़ में करना। मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है और कृषि विभाग की अपील भी है कि कम से कम अपने लिए प्राकृतिक खेती जरूर करो, अपने परिवार के लिए जरूर करो, अपने बच्चों के लिए जरूर करो।
वो कामयाब तभी होती है जब उसको जन समर्थन मिलता है, जन सहयोग मिलता है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ आप सुनो नहीं या उस पर अमल नहीं करो तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। हमारी सरकार बड़ा प्रयास करती है। नाम है जी आपका? दिनेश चौहान, गांव माहौली। चौहान साहब, आज किस तरह का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है? ये किसान गोष्ठी है जिसमें किसानों को जागरूक किया जा रहा है और जागरूकता के साथ फसल अवशेषों को ना जलाने की प्रेरणा दी जा रही है, उन्हें जागृत किया जा रहा है और उनसे वचन लिया जा रहा है। और इस प्रोग्राम किसान गोष्ठी में फसल अवशेष, कृषि यंत्रों का उपयोग करना, जैसे CSC लेना, किसानों को समूह बनाकर काम करना, हमारा भी एक FPO है, टोटल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, वो इसी स्कीम में काम कर रहा है। हमारे साथ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बागवानी, अन्य विभाग भी साथ हैं हमारे, और इसमें किसानों को बार बार जागरूक करने के शिविर लगाए जाते हैं और इस शिविरों से किसानों को बाकी काफ़ी लाभ मिलता है। लाभ जैसे कि आय दोगुनी होने में ये बहुत ही सहायक है। एक तो भूमि की उपजाऊ शक्ति काफ़ी बढ़ती है, जैसे हरी खाद का उपयोग करना और प्राकृतिक खेती करना। अब हमें स्कीमों के बारे में काफ़ी बताया गया, जैसे कि हॉर्टिकल्चर की स्कीम है, जैसे मान लो बागवानी पर है उसकी सब्सिडियाँ बताई गई हैं, अपने सब्जियों पर सब्सिडियाँ बताई गई हैं और अपने हॉर्टिकल्चर, फसल बीमा, अन्य सारी प्रकार की फसलों के बारे में बताया गया था। क्या नाम है जी आपका? मोहन श्याम। मोहन श्याम जी, आज किस तरह का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है? यहाँ कृषि विभाग ने अपना मतलब सेमिनार लगाया हुआ है और हमें मतलब जो है पराली जलाने के बारे में बताया और जिन किसानों ने अपनी कोई समस्या पूछी है तो उनके बारे में बताया। तो किस किस तरह की स्कीमें बताई गई हैं? स्कीम हमें बताई गई हैं, सब्जी के बारे में बताई गई हैं और बागवानी के बारे में बताई गई हैं और जो भी हमारे धान में जो फसल में जो नुकसान होता है उसके बारे में बताई हैं। मेरा नाम नरेंद्र चौधरी है, मैं गांव माहौली का स्थायी निवासी। आज किस तरह के आयोजन किया गया था कृषि विभाग? आज यहाँ हमारे कृषि विभाग के द्वारा पराली ना जलाने के लिए और जो हमारे क्रेपको रेपको ने जो नैनो यूरिया लॉन्च किया है उस कट्टे वाले यूरिए की जगह उसका इस्तेमाल करने के लिए किसानों को समझाया गया है। एक जो NPK के तरल कंसोड़िया है जो उसमें जीवाणु बनाते हैं, जो जीवाणु हमने पहले खाद डाल रखा है उन्हें ग्रहण करने के लिए, पौधे तक की जड़ तक पहुँचाने के लिए जो हमारे प्रोडक्ट है उनके बारे में किसानों को जागरूक करने के लिए हमारे कृषि विभाग ने आयोजन किया। आप किस तरह का कृषि कर रहे हैं, किस तरह की खेती कर रहे हैं? गन्ने की बिल्कुल आधुनिक खेती कर रहे हैं। हम 3 भाई हैं, 150 एकड़ में हम गन्ना करते हैं और उसमें भी गन्ने में भी जगह जगह के जितने भी वैज्ञानिक जहाँ तक हम मिल पाए हैं उनसे अच्छी सलाह लेके उसी तरीके का कार्य किया है अच्छा उस पर और उसमें हमें बढ़ोतरी भी मिली है। आग के द्वारा अभी जो हमारे DHO साहब थे होडल से, उन्होंने ड्रिप एरीगेशन के लिए बोला है कि ड्रिप एरीगेशन करवाइए, तो मैंने अपने 5 एकड़ के लिए ड्रिप एरीगेशन का सिस्टम करवाने के लिए उन्हें अपने डॉक्यूमेंट कल पहुँचाऊँगा। तो किसान भी ज़्यादा नहीं 1 एकड़ में अपना ड्रिप एरीगेशन का सिस्टम चलवाएं, उससे उन्हें उसकी कीमत पता चल जाएगी, पानी भी बचेगा और फसल भी अधिक होगी। जब हम इसकी स्प्रे करते हैं तो 4 एकड़ 1 लीटर पानी में, ये सारी बोतल आधा लीटर की बोतल 125 लीटर पानी में हिसाब से, आप 4 एकड़ के हिसाब से किसी भी फसल में, हर फसल में, बागवानी फसल हो, हरे की फसल हो, चारे की फसल हो, किसी तरह की फसल हो, अनाज की फसल हो, दाल वाली फसल हो, उसके अंदर आप उसकी आवश्यकता अनुसार 2 से 4 एकड़ प्रति लीटर के हिसाब से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अपने गेहूँ के बीज को धूप ताप उपचार विधि से उपचारित करें तो बिना दवाई के आपका बीज रोग मुक्त हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर किसान 50% से ज्यादा किसान अपने घर का बीज बिजाई करते हैं। सब किसानों को सारा बीज भी नहीं मिल पाता और बीज महंगा भी होता है, तो उसके लिए आप अपने बीज को 6 बजे 8 बजे से 2 बजे तक एक ड्रम ले लें प्लास्टिक का, उसमें बीज डालें, जितनी मात्रा में बीज डाला है 50 किलो बीज डाला है 50 किलो उसमें पानी डाल दें, बीज को थोड़ा डंडे से घुमाएं, ऊपर हल्के बीज भी आ जाएंगे, नमक उपचार की जरूरत नहीं रहेगी, आपके जो बीमार बीज हैं वो भी ऊपर तैरेंगे, खरपतवार के उन्हें हटा दें। उसके बाद में इस बीज को निकाल कर 6 से 8 बजे से 2 बजे तक भिगोना है, ड्रम को पारदर्शी पॉलिथीन से बांध कर धूप में रखना है, 6 घंटे भिगोने के बाद बीज को निकाल कर साफ वस्त्र या तिरपाल पर फैला दें,
दो तीन दिन तक सुखाए, जब वो दांत से तोड़ने पर कट की आवाज करे समझ ले बीज ठीक तरीके से सूख गया है, तो आपका बीज तीनों तरह की बीमारियों से रहित हो जाएगा। किसी भी दवाई के डालने की आपको कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि जब हम बीज को भिगोते हैं इन दिनों में 6 घंटे, और यदि यही उपचार आप मई जून में करें तो उस समय 4 घंटे भिगोना पड़ता है। तो 6 घंटे में बीमारी का माइसीडियम जमीन में घुस जाता है, जमाव ले जाता है और हमारा बीज सोई दशा में रहता है। धूप में डालते ही ये बीमारी का जो माइसीडियम चला था वो मर जाएगा, धूप से भी हमारा सुरक्षित रहेगा।